रीवा कमिश्नर ने गुरुवार को संजय गांधी अस्पताल और गांधी चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मरीजों के परिजनों से ली जानकारी। रीवा कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने गुरुवार को संजय गांधी अस्पताल और गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया तथा कई वार्डों में गए और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही में जो भी कमियां पाई गई उसे जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। उसके बाद उन्होंने अस्पताल में कई मरीजों के परिजनों से वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्हें यहां इलाज के दौरान किस तरह की परेशानी आती है उसके बारे में भी जानकारी ली, साथ ही उन्हें बेहतर इलाज दिलाए जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि संजय गांधी अस्पताल में आए दिन मरीज और उनके परिजनों को किसी न किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से भी की गई। अगर उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर इस तरह का निरीक्षण किया जाए तो कुछ हद तक अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं। हाँ सर, महयोग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। यहाँ अस्पताल में किसी को जानकारी नहीं थी। उन्होंने तीसरी मंजिल के मेडिसिन विभाग के बी ब्लॉक से ए ब्लॉक से निरीक्षण शुरू किया था। मरीजों से उनका हाल चाल पूछा था कि कैसा इलाज हो रहा है, तो कोई समस्या है कि नहीं है। इसके बाद वो SPW में गए थे, SPW का निरीक्षण किया। मरीज के अटेंडेंट से भी बात की उन्होंने कि आपके मरीज का स्वास्थ्य कैसा है, अब ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन भर्ती है, बेटा भर्ती है। निरीक्षण में उन्होंने सफाई व्यवस्था में थोड़ा सा उन्होंने कमेंट्स किए थे कि सफाई जो छज्जों की सफाई है वो साफ़ क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, इसको अगली बार 15 दिन का समय दिया जाए और अगर ना हो तो फिर से भर्ती की जाए। और मरीजों के मिलने का समय का पूरा कहीं उल्लेख नहीं है तो इसको लिखवाइए कि इस समय मरीज के अटेंडेंट क्यों मिल रहा है, और गेट पास अगर 2 लोगों का दिया है तो 2 ही लोगों का आना चाहिए, समस्या रहती है। उसके बाद वो उन्होंने बच्चा वार्ड में निरीक्षण किया। बच्चा वार्ड के उसमें AC और कूलर का ठीक से चलना नहीं पाएगा, उस पर थोड़ा सा उन्होंने नाराज़गी बताई।